कुपोषित माँ है, कुपोषित बच्चा है, और मेरा जो ये ड्रीम प्रोजेक्ट है रीवा के बच्चों को, माताओं को कुपोषण से 3,200 करोड़ रुपए हर घर से जल, नल से जल का, लेकिन अभी रेल का, हवाई का, ये दोनों मार्ग अभी हमारे, चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है, जिताया है, बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं, जहाँ जहाँ गाँव पढ़े संतन के ताता बंटा ढहा, बघेली में तो सुबह न ना, बस वैसे है राहुल गांधी के काम, जिताया है, बिल्कुल सही बात, प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, चयन समिति बताएगी कि क्या क्यों हमारा चयन किया है, लेकिन इतना जरूर कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसमें एक सामान्य आचरण और व्यवहार करने वाले कार्यकर्ता को परखा जाता है, देखा जाता है और उस पर विश्वास किया जाता है। इसलिए मेरे जैसे एक सामान्य कार्यकर्ता पर पार्टी ने लगातार तीसरी बार विश्वास किया, इसके लिए मैं श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और चयन समिति के सभी सदस्यों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं और पूरे पार्टी के कार्यकर्ताओं का इसकी जो संवेदना थी उसको भी मैं, जो उनकी इच्छा थी उसका वो है सादर प्रणाम करता हूं। तीसरी बार अगर आप सांसद चुने जाते हैं तो आपकी पहली प्राथमिकताएं क्या होंगी? प्राथमिकताएं तो अभी हमारे यहां देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर की अभी बहुत कमी है, सड़कों के मामले में थोड़ा सा ठीक हुए हैं, लेकिन अभी रेल का, हवाई का, ये दोनों मार्ग अभी हमारे पिछड़े हुए हैं। रेलवे के लिए एक नई रेल परियोजना की बात में का प्रयास मैंने किया था, उसका सर्वे भी हुआ रीवा से मिर्जापुर वाया हरमना, लेकिन ये कोरोना की वजह से वो काम पूरा नहीं हो पाया। तो पहली प्राथमिकता तो ये होगी कि जो रीवा का इंफ्रास्ट्रक्चर रेलवे का वो अधिक विकसित हो, अधिक बड़ा हो और ये नई परियोजना स्वीकृत। उसके साथ अभी 3,200 करोड़ रुपए हर घर से जल, नल से जल का इंतजाम प्रधानमंत्री जी ने किया है, लेकिन अभी वो काम गति नहीं पकड़ पाया हमारे ज़िले में। मेरा प्रयास होगा कि समय के अंदर हर व्यक्ति को, हर परिवार को नल से जल मिल सके। रीवा जिले में अभी मुश्किल से 38% रीवा कॉन्स्टिट्यूएंसी में, रीवा जिले पुरान तो रीवा जिला, लेकिन अब रीवा लोकसभा में अभी मात्र 38% भाग में सिंचाई है। इसे 80-85% तक प्रतिशत कैसे बढ़ाया जाए, इसके लिए भी प्रयास किया जाएगा। और मेरा जो ये ड्रीम प्रोजेक्ट है रीवा के बच्चों को, माताओं को कुपोषण से मुक्ति दिलाने का, उसके लिए मैंने मुनगा लगाने का काम प्रारंभ किया था, लेकिन ये उतना अच्छे ढंग से वो काम नहीं हो पाया। उसे भी इन वर्षों में मैं पूरा करने का प्रयास करूंगा कि एक एक जो कुपोषित माँ है, कुपोषित बच्चा है, उसको पूर्ण पोषण, एक ही दवा है वो है मुनगा का फल, मुनगा का पत्ती, मुनगा का फूल, इसको जो माँ खाएगी, जो बच्चा खाएगा वो कुपोषण से दूर रहेगा, उसका भी प्रयास करूँगा। ये अपनी निजी सोच है, निजी प्रयास होगा इसका। तो इस तरह से बाकी केंद्र सरकार की जो भी योजनाएं होगी उन्हें रीवा में वो आए, रीवा में के धरातल पर उनको पहुंचाया जाए, इसका भी प्रयास होगा।